दुनिया में जो आया है उसे लौटकर अल्लाह के पास जाना है। आसमान पर एक दुनिया है जिसकी ज़िंदगी का कोई अंत नहीं है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क निवास के नज़दीक नमाज फजर के बाद उनके आज तीजा की फातिहा हुई। फातिहा के बाद उनके मकफितर के लिए दुआ हुई। दुआ के बाद उलमा और शहर के लोगों ने जियाउर रहमान को संभल से लोकसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस बीच वक्ताओं ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की समाजी और सियासी ज़िंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि वो सबके हमदर्द थे। इस दौरान मरहूम सांसद के पोते और कुनरकी विधायक जियाउर रहमान बर्क को राजनीतिक हस्तियां और धर्मगुरुओं ने सांत्वना दी। मौके पर हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले लोगों के साथ बड़ी तादाद में समाजी और सियासी हस्तियाँ मौजूद रहीं। अल्लाह गवाह है, अपनी कौम के लिए उन्होंने कभी किसी अधिकारी चाहे वो इसका मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा हो, उन्होंने कभी सब जगह बात नहीं कही। और ये तारीफ गवाह है, उन्होंने अपनी कौम के लिए जितनी बेबाकी और बगैर किसी कौम के बगैर किसी डर के जो अपनी बात को कौन की चाहे सड़क हो विधानसभा हो या पार्लियामेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत हो, जितनी जिम्मेदारी से उन्होंने और मजबूती के साथ में रखा, चाहे कोई खुशी लगती रहती आप इसे नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे दादा मौसम, लेकिन हकीकत के अंदर उन्होंने जब भी मसला आया अपनी कौम के लिए पूरी ताकत के साथ में जुड़ गए और कहा करते थे, लेकिन ये हकीकत है जो कि हमारे इस्लाम का तकाजा है कि अगर कभी किसी हिंदू समाज में कोई काम जायज हुआ तो उसके काम को कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन कभी अधिकारी अगर मुसलमान के साथ ज्यादती करने की कोशिश किया करते थे तो मैंने खुद डीएम से लेकर के डीआईजी कमिश्नर लखनऊ तक के अधिकारी को मैंने आपको गुस्से में अगर आते हुए देखा है कि तुम समझते थे हम हमारी क्या हैसियत है, बोले तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम हमको मिटा दो, हिंदुस्तान किसी के पाप का नहीं है, जितनी कुर्बानी दूसरों की है उससे ज्यादा कुर्बानी हमारी मुसलमानों की नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह के तरफ से कभी पार्टी के अंदर भी किसी पार्टी में रहे मैं बड़ी बेबाकी के साथ कह सकता हूं अपनी पार्टी के लीडर की उन्होंने इज्जत तो कही, लेकिन कभी अल्लाह की तरफ से चापलूसी नहीं करे, कभी उनके सामने मन्नतें नहीं करी, कभी उनके लिए कौम के लिए कमजोर बात नहीं।